मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6 महिला सिविल जजों की एक साथ सेवाएं समाप्त करने के संबंध में दर्ज सो मोटू रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 12 जनवरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि इस मामले का संज्ञान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने पहले ही ले लिया था। यह पिटीशन आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। मामला मध्य प्रदेश राज्य की न्यायिक सेवाओं में नियुक्त 6 महिला न्यायाधीशों से संबंधित है, जिन्हें पिछले साल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जिन 6 जजों पर बर्खास्तगी की गाज गिराई गई थी, उनमें आम्बेडकर नगर इंदौर में पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रिया शर्मा, मुरैना में पदस्थ पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सोनाक्षी जोशी, टीकमगढ़ में पदस्थ पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अदिति कुमार शर्मा, तिमरनी हरदा में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड ज्योति बरखरे, उमरिया में पदस्थ न्यायिक सेवा सदस्य द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश सरिता चौधरी व रीवा में पदस्थ न्यायिक सेवा सदस्य द्वितीय दरबार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रचना अतुलकर जोशी शामिल थी। 8 और 10 मई 2023 को एमपी हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद 13 मई 2023 को भी इस विषय में फुल कोर्ट मीटिंग की गई थी। इन्हीं बैठकों में शासन को उक्त जजों को सेवा से पृथक करने की सिफारिश की गई थी। प्रदेश के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ था जबकि एक साथ 6 महिला जजों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया गया हो। इन पर आरोप थे कि अपनी नौकरी के दौरान यह सभी जज ड्यूटी का संतोषजनक निर्वहन नहीं कर पा रही थी। आप जब हमारे मेंबर बनकर अपने केस के पीडीएफ कागजात हमको भेजेंगे तो हमारे एडवोकेट्स की टीम उन कागजात को पढ़कर आपके केस की एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें आपके केस की वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताया जाएगा, वैशिंग और डिस्चार्ज पर बताया जाएगा और मेंबर्स को यह मुफ्त बताया जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि पूरे केस के कागजात साफ साफ और पढ़ने योग्य हो। चादर बिछाकर मोबाइल से पीडीएफ बनाने पर उनको पढ़ना कठिन होता है। जितना पढ़ने में आसानी होगी रिपोर्ट उतनी ही अच्छी बन पाएगी क्योंकि पूरा ध्यान कानून पर रहेगा। केस में कोई कठिनाई आने पर या पर्याप्त कानूनी सलाह के अभाव में परेशान होने पर आप हमारी रिपोर्ट से जानकारी और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए हुए पा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कागजात पूरे भेजें और साफ व पठनीय भेजें। 19-3 ने 2 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि यह बर्खास्तगी मुख्य रूप से उनके द्वारा प्रतिमाह निपटाए जाने वाले मुकदमों की संख्या कम होने के आधार पर की गई है। उन महिला जजों ने अपने पत्र में कहा कि यह उनके करियर के बिल्कुल शुरुआती चरण में किया गया है और उन्हें अपने कार्य में गुणवत्ता के स्तर में सुधार करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। जबकि इससे ठीक पहले के समय में जब कोविड महामारी के चलते उनके काम का इस प्रकार का मूल्यांकन हाई कोर्ट द्वारा किया नहीं जा सका था। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में वकील गौरव अग्रवाल को एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का निर्देश दिया। एमिकस क्यूरी ऐसे एडवोकेट होते हैं जिन्हें कोर्ट किसी भी पक्षकार की बात रखने के लिए स्वयं नियुक्त करता है। किसी भी एडवोकेट के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में चुना जाना सम्मान की बात होती है। एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने अदालत को बताया कि इन पूर्व जजों में से 3 ने अपनी शिकायत के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां यह मामला अभी भी विचाराधीन रूप में लंबित है, लेकिन इस पर अभी विचार नहीं किया गया है। यह भी सामने आया कि कुछ पीड़ित अधिकारियों ने वास्तव में अनुच्छेद 32 के तहत रिट पिटीशंस के साथ पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसे अंतर वापस ले लिया गया ताकि इसे सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में फाइल किया जा सके। खंडपीठ ने दलीलें सुनने के बाद सो मोटू रिट पिटीशन में नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने यह स्वीकृति भी दी कि 6 अधिकारियों में से एक रिप्रेजेंटेटिव पक्षकार के रूप में कोर्ट के सामने पेश हो सके। इसके बाद एडवोकेट रेखा पांडे 3 अधिकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुई।
एडवोकेट रेखा पांडे के उपस्थित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के अलावा शेष दो अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। हमारी यह वीडियो तथा दूसरी वीडियो इसी तरह आपके पास आती रहेंगी, नई जानकारियां लेकर आती रहेंगी और आपकी जीत की राह को रोशन करती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं।